अकबरपुर नगर पंचायत रोहतास में, रोहतास के मैरिज हॉल में एक कार्यक्रम किया गया जिस कार्यक्रम का नाम था विश्व बाल निषेध दिवस। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित से की गई और इसमें जम्मू के अतिथि थे विशाल देव, सुनील सुमन और भी महिलाएं, बच्चे, बच्चियां इस कार्यक्रम में शामिल थे। आइए देखते हैं आज के इस पूरे कार्यक्रम को। जो हमारे बच्चे जो बाल श्रमिक कर रहे हैं, जो बाल श्रम से जूझ रहे हैं, स्कूल से वंचित हो चुके हैं, आप सभी को पता होगा कि बाल श्रमिक करने से क्या क्या नुकसान होता है बच्चों को। बाल श्रमिक एक बहुत बड़ा अभिशाप, ये बहुत बड़ा कानून भी बना हुआ है। इसके लिए जो बच्चे काम करने वाले ऐसे होते हैं उन बच्चों को हम लोग छोड़ा करके उनको स्कूल से जोड़े काम करते हैं। उसके बाद बहुत सारे जो उसको स्कैन करते हैं, स्कैन यानी महिला को जो जो बाल विवाह है उसको बाहर से ये कर देते हैं। राजस्थान हो गए, उड़ीसा हो गए, कहीं ना कहीं हुए हम लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हुए थे और बहुत अच्छा रहा है। फाउंडेशन का उन्होंने तत्काल एक्शन लिया और हम लोग ने बहुत बाल बच्चियों को बचाया। साथ ही बहुत से मजदूरी करते हैं इटाभट्टा में, कहीं होटल में। तो हम लोग देखिए, ये कहीं ऐसा नहीं है कि आप लड़ाई कर देंगे चाहे किसी को, वो समझाएंगे, वो एक तरह के एक्ट के समझाएंगे, एक कानूनी प्रक्रिया भी है। आप अगर किसी बाल मजदूर, अगर कोई बाल जो बाल ये बच्चे हैं जो 15 साल से हैं, अगर आपसे मजदूरी करा रहे हैं या किसी दुकान में या किसी में कटा रहे हैं तो कानूनी अपराध है। ये एक्ट के तहत आप जेल भी जा सकते हैं और आपको ये फाइन भी भरना पड़ता है। तो आपके जो पेट में गर्भ में जो बच्चा जो है रहता है, एक बेटा या बेटी रहती है, आपको जितना तकलीफ होता है, उसको जन्म देने में जितना कष्ट होता है, उनके भविष्य को अच्छा निर्माण करने में उतना कष्ट नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, बात मैं आप लोगों के बीच में पेश करना चाहता हूँ। बाबा साहब ने क्या कहा था कि मैं किसी भी समाज का तरक्की उस समाज की महिला के तरक्की से मांगता हूँ। तो जिस समाज में महिला शिक्षित हो, समझदार हो, तो उस समाज का बच्चा का भविष्य कभी भी बर्बाद नहीं होगा। बच्चा क्या है? बच्चा आप सभी का, माता पिता सभी लोग हैं, उनका भविष्य का क्या है? सहारा है। एक पौधा आप छोटा लगाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक पौधा अगर छोटा लगाते हैं तो उसमें क्या किया जाता है? उसको समय पर जल दिया जाता है, खाद दिया जाता है, जो चीज उसकी आवश्यकता है समय अनुसार उसको दिया जाता है। उसी प्रकार से बच्चा होता है। बच्चा को समय से आप सही चीज नहीं देंगे, समय पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे, समय पर अच्छा जो है पहनावा वहावा का व्यवस्था नहीं करेंगे, समय से अच्छा खान पान का व्यवस्था नहीं करेंगे, तो क्या वो बच्चा आगे बढ़कर आपका भविष्य निर्माण कर सकता है? या दोनों के साथ जुर्माना दिया जा सकता है, सजा हो सकता है, ठीक है। घरेलू प्रयास के लिए बच्चों को घरों में बंद कर रखना या घर तक सीमित रखना उनके अधिकारों को उल्लंघन है। जो बंधुआ मजदूर श्रम उन्मूलन अधिनियम 1976 के तहत दंडनीय है। अगर इस आपको ऐसा वाला कहीं भी मैटर आता है, देखने को मिलता है, कॉल करें 1098 24 घंटे चाइल्ड लाइन चालू रहता है, बाल श्रम के मामले में सूचित कर सकते हैं। 10908 हाँ, ठीक है। इसी तरह हर एक चीजों का आज आपको क्या बताया गया है, ये पोस्टर लेके खड़ी है, लड़की हो या लड़का, सबको की क्या 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 बताया गया मीटिंग में, क्या बताएगा? इसमें सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, लड़का हो या लड़की, सभी को शिक्षा मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? खुशी कुमारी। कहाँ रहती हैं? तेलकप। अच्छा, ये आपको संस्था कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या करती हैं आप? ग्रेजुएशन। इसमें क्या करती हैं आप? अभी मतलब बीए एडमिशन हुआ है। देखिए, सारी बच्चियां हैं और ये इस तरह के पोस्टर को लेकर खड़ी हुई हैं, और चलें अपने प्रखंड को बाल श्रम से मुक्त करें। क्या आपको यहाँ सीखने को मिला, देखने को मिला? बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है और यहाँ पर भी हम देखे, बहुत अच्छा लगा हमको। और यहाँ भी सिखाया गया है किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक समान रहना चाहिए, सबके एक साथ रहना चाहिए, किसी में भेदभाव नहीं करना है। चलिए और भी सवाल लेते हैं। यहाँ पे एक
सीनियर पर्सन महिला हैं और ये हाथों में ये भी पोस्टर लिए हुए हैं, क्या आपने जानकारी लिया और क्या उद्देश्य देना चाहिएगा मेरे चैनल के माध्यम से लोगों को? यहाँ सब लोग को जागरूक किया गया कि बच्चे लोग से काम ना करवाए, बाल मजदूर ना करवाए, बच्चे लोग स्कूल भेजा जाए, कभी भी बच्चे लोग का भविष्य माए बना सकती है। बस मेरा ही